मैसाचुसेट्स स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ये रिसर्च किया गया, जो मरीजों को वहां से रिलीज करते थे तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अब 200 मरीजों के साथ ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च हुआ, 100 मरीजों को रिसर्चर्स ने लिखित में इंस्ट्रक्शंस दिए और समझाया भी, और जो बाकी 100 मरीज थे उनको लिखित के साथ चित्र भी दिए और समझाया भी। एक महीने के बाद रिसर्चर्स ने फोन किया जानने के लिए कि कितना उस इंस्ट्रक्शंस का उन्हें याद है, तो पाया कि ये भाग जिनको मात्र लिखित में इंस्ट्रक्शन मिले थे उनको केवल 6% याद था और बाकी सब विस्मृति हो गई थी, और जिनको चित्र युक्त इंस्ट्रक्शंस मिले थे उनको 43% याद था। ये चित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम जब कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर हम उसका चित्र अपने मन में धारण कर लें, हमारा अवचेतन मन सहायक बन जाता। जो लोग टेनिस खेलते हैं, उदाहरणार्थ, उनको पता है कि सर्विस करते समय वो गेंद को छोटे से डिब्बे में टिप्पा लेना, तो बारीकी कला का काम है। अब आप चेतन मन और बुद्धि को पूरा लगा दे शक्ति युक्त, तो भी इतने सारे प्रोसेसेस हैं सही सर्विस करने में कि कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर पहले चित्रण कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, गेंद जाके उस पॉइंट पे गिर रही है और उसको अपने मन में हम धारण कर लें चित्र को, अब जब सर्विस करेंगे टेनिस में तो अवचेतन मन सहायता करेगा ताकि गेंद सही जगह गिरे। इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ का खिलाड़ी हुआ है जैक निकलॉस, अमेरिका का। उसने कहा कि मैं कभी भी वो बॉल को गोल्फ स्टिक से नहीं मारता जब तक मैं उसका विजुअलाइजेशन नहीं कर लेता कि वो गेंद इस प्रकार से जा रही है, इस पॉइंट पे गिर रही है। तो उसको जब धारण कर लिया, अब अवचेतन मन सहायता करने लगा। ये अवचेतन मन चेतन मन से 40,000 गुना स्पीड में कार्य करता। जैसे मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं, जीब्रा क्रॉसिंग के द्वारा सही जगह से, और आपने 2 कदम ले भी लिए हैं, किंतु आपने देखा अपने आंख के कोने से कि कार आ रही है बड़ी स्पीड में। अब चेतन मन बुद्धि से आप विश्लेषण करने लगे, गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, लगता है कि ड्राइवर की रुकने की मंशा नहीं है, और आपके चेतन मन ने निश्चय कर लिया अरे ये रुकने नहीं वाली, अपने को बचाओ। जैसे आपने निश्चय किया, अब आपका अवचेतन मन कार्य करने लगा, आपको सोचना नहीं पड़ा, तुरंत आप पीछे छलांग लगा ली। तो वो अवचेतन मन जो स्टेप इन हो गया, उसने कार्य कर दिया। कई कार्य हमारे अवचेतन मन के द्वारा होते हैं। जैसे आप जब चलते हैं, आप सोचते नहीं कि अब इस बाह को आगे करें, इस बाह को आगे करें, वो अवचेतन मन कराता जाता है। और आप उसके प्रति सजग हो जाएंगे तो फिर आपका कार्य भी थोड़ा लड़खड़ा जाएगा। तो हम जो आदतें बना देते हैं वो अवचेतन मन में चली जाती, और उसकी प्रोग्रामिंग के लिए विजुअलाइजेशन।
एक रशिया में यहूदी ज्यू था नेटन शरेंस्की, उस पर गलत आरोप लगा दिया गया कि ये तो अमेरिका का स्पाई है और उसे जेल में, साइबेरिया की जेल में डाल दिया गया। तो अब छोटे से कारागृह में उसने कहा अपने को स्वस्थ कैसे रखे, व्यायाम तो करता था लेकिन मन को कैसे स्वस्थ बनाए रखे। तो उसने कहा मैं बचपन में चेस खेला करता था, तो मन ही मन वो चेस खेलता था। अब किसके साथ खेले, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता था उस समय गैरी कास्परोव। वो गैरी कास्परोव के साथ मन में चेस खेलता था और उसे परास्त कर देता था। उसे कहते हैं मेंटल चेस। वो 64 स्क्वायर्स को मन में रख के और 32 पीसेस को मन में रख के खेलना पड़ता। तो पश्चात बिल क्लिंटन के आग्रह पर रशिया ने उसको रिलीज किया और मुक्त होने के बाद वो इजराइल जाके रहने लगा। तो एक दिन गैरी कास्परोव पहुंचा इजराइल, तो ये ग्रैंड मास्टर्स डिमॉन्स्ट्रेशन मैचेस खेलते। उसने 5 खिलाड़ियों के साथ एक साथ खेला और 4 को उसने परास्त कर दिया। वर्ल्ड चैंपियन था किंतु एक के द्वारा वो परास्त हो गया और वो था नेटन शरेंस्की। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। नेटन शरेंस्की ने कहा कि मैंने मन में उसको कितनी बार परास्त कर दिया था, ये तो मात्र एक्शन रीप्ले ही हो रहा था। तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए 2 प्रकार का विजुअलाइजेशन, एक गोल विजुअलाइजेशन, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, एक प्रोसेस विजुअलाइजेशन, मैं ऐसे करना चाहता हूं। तो पाया गया है जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं, अगर वे केवल वेट लिफ्टिंग का ध्यान करें तो भी वो न्यूरॉन्स फायर हो जाते हैं। यानी हम अवचेतन मन में जो चित्र रखते हैं हमारा मस्तिष्क उसे सत्य मान लेता। इतना पावरफुल टेक्निक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का विजुअलाइजेशन के द्वारा, हम उसको अपना मित्र बनाए, सहयोगी बनाए। और इसी टेक्निक का उपयोग हम ईश्वरीय क्षेत्र में ध्यान हेतु कर सकते हैं। तो ये ध्यान की जो प्रणाली है इस पर अब प्रकाश अगले सत्र में डालेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।